हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सेल जंक्शंस की तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस कौन कौन से टाइप के सेल जंक्शंस होते हैं सेकंड हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और कंपोजिशन क्या होता है थर्ड हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं तो वो हम स्टडी करेंगे फोर्थ हम बात करेंगे लोकेशंस की ये बॉडी में कहाँ कहाँ प्रजेंट होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर सेल जंक्शन सेल जंक्शन होते क्या है सेल जंक्शन क्या होते हैं दो नेबरिंग सेल्स के बीच में कनेक्शन होते हैं या फिर सेल्स का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में कनेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सेल जंक्शन तो सेल जंक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स और द कॉन्टेक्ट बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन जंक्शन सेल जंक्शन को मेम्ब्रेन जंक्शन भी बोलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल जंक्शन टाइप्स सेल जंक्शन मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन होता है ओक्लूडिंग जंक्शंस सेकेंड होता है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस और थर्ड होते हैं एंकोरिंग जंक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं ओक्लूडिंग जंक्शंस की तो ऑक्लोडिंग जंक्शंस ऐसे जंक्शंस होते हैं जो दो सेल्स के बीच में इंटर सेलूलर एक्सचेंज को रोकते हैं सेल जंक्शंस विच प्रिवेंट इंटर सेलूलर एक्सचेंज ऑफ सबस्ट आर कार्ड ऑक्लोडिंग जंक्शंस दैट इज दी जंक्शंस प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मोलिकूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया ये आयंस और मोलिक्यूल्स के मूवमेंट को रोकते हैं एक सेल से अनदर सेल के बीच में जो भी मूवमेंट होता है आयंस का उसको ये रोकते हैं एग्जाम्पल हो गया टाइट जंक्शन अब हम बात करेंगे टाइट जंक्सन्स की तो टाइड जंक्सन ऑल्सो कॉल्ड जोनोला ऑक्लोडाइंस इनको हम जोला ऑक्लोडाइंस भी बोलते हैं अब टाइट जंक्शन में होता क्या है जो भी आपस वाली जो सेल्स होती है एडजस्टेंट सेल्स होती है उनकी जो मेम्बर होती है वो फ्यूज़ हो जाती है बिल्कुल क्लोजली जिससे आयंस और मोलिक्यूल्स का एक्सचेंज बिल्कुल रुक जाता है तो द इट इज़ द रीज़न वेयर द सेल मेबरेंस ऑफ द एडजस्टेंट सेल फ्यूज टुगेदर फेमली और अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ होती है बॉडी के अंदर तो दिस टाइप ऑफ जंक्शन इज प्रेजेंट इन द एपिकल दार्जिन ऑफ एपीथीलियल एंड एंडोथीलियल सेल्स इन इंटेस्टैनल मिकोजा वॉल ऑफ रिनल ट्यूबुल कैपिलरी वॉल एंड प्लेक्सस तो ये इनकी लोकेशन हो गई नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टाइट जंक्शन टाइट जंक्शन की स्ट्रक्चर तो इसमें क्या होता है सबसे पहले एक रिज का फॉर्मेशन होता है दोनों सेल्स के बीच में इस रिज का वन हाफ़ पार्ट कहाँ से आता है वन सेल से और अदर हाफ पार्ट किससे आता है दूसरी सेल से तो ये दोनों पार्ट मिलके बिल्कुल फ्यूज़ हो जाते हैं टाइटली जिससे जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है वो पूरा ऑक्युपाई हो जाता है बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता ट्रांसफर के लिए आयंस और मोलिक्यूल्स के ट्रांसफर के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता तो द टाइट जंक्शन इज मेड अप ऑफ ए रिज विच टू हाफ वन हाफ ऑफ द रिज इज फ्रॉम वन सेल एंड अनदर हाफ इज फ्रॉम द अदर सेल बोथ हाफ्स ऑफ द राइट रिज फ्यूज विद ईच अदर वेरी टाइटली एंड ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द टू सेल्स अब बात करते हैं प्रोटीन्स जो टाइट जंक्शन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है तो कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है तो टाइट जंक्शन मेब्राइन प्रोटीन्स होती है जो स्पेशल प्रोटीन्स होती है इंटीग्रल मेम्ब्राइन प्रोटीन्स होती है जैसे ओक्लोडीन हो गई क्लाउडिन हो गई और जंक्शन एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्केफोल्ड प्रोटीन्स होती है तो ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती है जो टाइट जंक्शन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टाइट जंक्शन तो जो फर्स्ट वन फंक्शन होता है वो क्या होता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी जो टाइट जंक्शन क्या होता है वो जो नेबी नेबरिंग सेल्स होती है उनको होल्ड करके कर रखता है तो होल्ड करके कर रखता है तो ऑब्वियसली उनको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिलेगी तो टाइट जंक्शन होल्ड द नेपरिंग सेल्स ऑफ द टिश्यूज एंड दस प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू द टिश्यूज सेकंड फंक्शन क्या हो गया सेलेक्टिव परमेबिलिटी द टाइट जंक्शन फॉर्म्स ए सेलेक्टिव बेरियर फॉर स्मॉल मोलिक्यूल्स एंड ए टोटल बेरियर फॉर लार्ज मोलिक्यूल्स देखो टाइट जंक्शन है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कंप्लीटली बेरियर हो गया बिल्कुल क्लोज ही हो गया कुछ स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं जिनको ये अलाउ भी करता है ट्रांसफर वन सेल से अनदर सेल में इसलिए सिलेक्टिव प्रोमेबिलिटी भी शो करता है तीसरा फंक्शन हो गया मेंटेनेंस ऑफ सेल पोलियरिटी टाइट जंक्शन होता है वो सेल की पोलियरिटी को भी मेंटेन रखता है कैसे जो भी प्रोटीन्स होती है उनको एपिकल रीजन होती है सेल मेम्ब्रेन की उसमें होल्ड करके रखता है जिससे सेल की पोलियरिटी बनी रहती है टाइट जंक्शन मेंटेन्स द सेल पोलेरिटी बाय कीपिंग द प्रोटीन्स इन द एपिकल रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप कम्युनिकेटिंग जंक्शंस तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कई एक जंक्शन कम्युनिकेशन शो करेंगे एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से आइंस और मोलिक्यूल्स का कम्युनिकेशन और मूवमेंट आसानी से होएगा तो इन जंक्शन को हमने क्या बोल दिया कम्युनिकेटिंग जंक्शन तो दिस इज दैल जंक्सन विच परमिट द इंटर सेलूलर एक्सचेंज ऑफ सबस्टांसेज आर कोल्ड कम्युनिकेटिंग जंक्शंस दैट इज दी जंक्शंस परमिट द मूवमेंट ऑफ आइंस एंड मोलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल अब इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं गैप जंक्शंस एंड केमिकल साइनअप अब केमिकल स्नैप्स में क्या होता है नर्व इम्पल्स का ईजिली ट्रांसफर होता है वन स्नैप्स टू अदर स्नैप्स अब हम बात करेंगे गैप जंक्शंस की तो गैप जंक्शंस क्या होते हैं ऐसे जंक्शंस जो आसानी से अलाउ करते हैं आइंस और स्मॉल मोलिक्यूल्स के ट्रांसफर को मूवमेंट को वन सेल से अदर सेल के अंदर इनको हम नेक्सस भी बोलते हैं गैप जंक्शन इज़ द इंटर सेलुलर जंक्सन देट अलाउज पैसेज ऑफ आइंस एंड स्मॉलर मोलिक्यूल्स बिटवीन द सेल्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेक्सस अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं ये हर्ट बेसल पार्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप जंक्शन की स्ट्रक्चर की तो क्या होता है गैप जंक्सन के अंदर दो एडज सेल्स होती है उनकी मेमरेंस बिल्कुल क्लोज आ जाती है और जिससे क्या होता है दोनों सेल्स के बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है जिससे साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स का कनेक्ट हो जाता है क्यों क्योंकि इनके जो चैनल्स होते हैं वो दोनों सेल्स की मेबरेंस बनाती है और ये चैनल्स बिल्कुल कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के तो आसानी से मोलिक्यूल्स का ट्रांसफर होने लग जाता है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर बिना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के कांटेक्ट के तो मेम्ब्रेन्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द इंटर सेलुलर स्पेस इज रिड्यूज साइटोप्लाजम ऑफ द टू सेल्स इज कनेक्टेड बाई द चैनल्स फॉर्म बाय द मेंबरेंस ऑफ बोथ सेल्स सो द मोलीक्यूल्स मूव फ्राम वन सेल टू अनदर सेल डायरेक्टली थ्रो दी चैनल्स विदाउट हैविंग कॉन्टेक्ट विथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड अब क्या होता है ये चैनल भी दो हाफ से मिल बने हुए होते हैं सेम एज टाइड जंक्शन, बट यहाँ पे ईच हाफ बिलोंग एक एक हाफ दोनों से, सेल्स का एक एक हाफ मिलकर बनाता है ये चैनल बट इसमें क्या होता है दोनों चैनल्स के जो दो हाफ होते हैं उनके बीच में जो प्रोटीन्स होती है वो कौन सी होती है कनेक्शन प्रोटीन्स ये क्या करती है इन दोनों सेल्स को सराउंड कर लेती है जिससे इनका ट्रांसफ़र ईज़ीली पॉसिबल हो जाता है अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गैप जंक्सन्स तो गैप जंक्सन्स में मेनली क्या होता है डायमीटर होता है चैनल्स का वो कम हो जाता है वन पॉइंट फाइव टू थ्री नैनोमीटर होता है जो ये नॉर्मली कितना होता है टू टू फाइव नैनोमीटर इसलिए चैनल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है और आसानी से ग्लूकोज का अमीनो एसिड्स का आयंस का और अदर सब्सटांस का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है अपन कह सकते हैं कि माइक्रोमोलिकल्स जितने भी होते हैं उनका ईजीली ट्रांसफ़र हो जाता है तो डायमीटर ऑफ द चैनल इन द गैप जंक्शन इज अबाउट 1.5 टू 3 नैनोमीटर सो द चैनल परमिट द पैसेज ऑफ ग्लूकोज अमीनो एसिड्स आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस सेकंड फंक्शन क्या हुआ ये केमिकल मैसेंजर्स का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू सेल्स इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स बिटवीन द सेल्स थर्ड क्या हुआ इट हेल्प इन द रैपिड प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल जो भी एक्शन पोटेंशियल होगी वो इन गैप जंक्शन के थ्रू आसानी से प्रोपोगेट करेगी फाइनली हम बात करते हैं एंकरिंग जंक्शन की एंकरिंग जंक्शंस क्या होते हैं ये ऐसे जंक्शंस होते हैं जो दो सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं और मैकेनिकल अटैचमेंट की जैसे एक्ट करते हैं एंकरिंग जंक्शंस आर द जंक्संस व्हिच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल्स बाय एक्टिंग लाइक मैकेनिकल अटैचमेंट दी जंक्शंस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल अटैचमेंट बिटवीन टू सेल्स और बिटवीन ए सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये क्या करते हैं दो सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं या फिर एक सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में एंकरिंग जंक्शंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द टीश्यूज एंकरिंग जंक्शंस होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं दो जो टीश्यूज़ होते हैं उनको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाने में अब ये प्रजेंट कहाँ होते हैं एंकरिंग जंक्शंस आर प्रजेंट इन हर्ट मसल्स और इन दिडर्मिस ऑफ स्किन नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंकरिंग जंक्शन जो एंकरिंग जंक्शंस होते हैं जिनके बीच में जो अटैचमेंट होता है वही टू टाइप से प्रोवाइड होता है या तो एक्टिंग फिलाेंट्स की वजह से या फिर इंटरमीडिएट फिलाेंट्स से तो इस बेसिस पे हम इनको फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं द फिम टू सेल्स और बिटवीन अ सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलोर मैट्रिक्स इज प्रोवाइडेड बाई आइदर एक्टिन फिल्मेंट्स और द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अब ये फोर टाइप्स कौन कौन से हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सबसे पहले कैटेगरी आती है एक्टिन फिलामेंट्स अटैचमेंट या जब एक्टिन फिलाेंट्स हेल्प करते हैं अटैचमेंट में उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं फिलामेंट अटैचमेंट इसमें टू टाइप्स आते हैं फर्स्ट आता है एड्रेस जिसमें सेल टू सेल कनेक्शन होता है या फिर फोकल जिसमें सेल टू मैट्रिक्स कनेक्शन होता है किसके द्वारा एक्टिंग फिलामेंट्स के द्वारा सेकंड कैटेगरी आती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अटैचमेंट जिसमें फर्स्ट आता है सेल टू सेल एंड सेकंड एमिडेजमोजोम जिसको सेल टू मैट्रिक्स कनेक्शन बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के द्वारा अब सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेंस जंक्शंस की एडर जंक्शंस में क्या होता है सेल टू सेल जंक्शंस होते हैं जो एक्टिन फिलाेंट्स की हेल्प से बनते हैं एक सेल और दूसरे सेल के बीच में एड्रेस जंक्शन इज द सेल टू सेल जंक्शन विच कनेक्ट द एक्टिन फिल्मेंट्स ऑफ वन सेल टू दो सेल इन जंक्शन द देंस ऑफ द एडजस्टेंट सेल्स आर हेल्प टूगेर बाय सम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल कैडेर अब इसमें यह कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होगी कैडेरिन प्रोटीन्स कैडेरिन प्रोटीन्स क्या करेगी एडजस्टन सेल्स को मेबरस को अटैच करेगी एडेर जंक्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैकेटैचमेंट्स ऑफ द एडजस्टेंट सेल्स या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं दो सेल्स के बीच में एडर जंक्सन इज प्रजेंट इन द इ्टरकलेटेड डिस्क बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ कार्डियक मसल्स ये प्रजेंट कहाँ पर होते हैं इनकी लोकेशन क्या होती है ये हर्ट मसल्स के बीच में या फिर कार्डियक मसल्स होती है उनके बीच में इंटरकलेक्टेड डिस्क की फॉर्म में प्रजेंट होते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकल एडेशन की फोकल एडेशन क्या होते हैं ये सेल टू मेट्रिक्स कनेक्शन होते हैं एक्टिन फिलाेंट्स की

अब आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो स्ट्रक्चर में आपको addition, और की इस आप देख सकते हो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेजमोजोम की डेजमोजोम्स क्या होते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की हेल्प सेल टू सेल अटैचमेंट होते हैं डेजमोजोम वेयर द इंटरमीडिएट फिलेंट्स कनेक्टेंट सेल्स डेज्मोजोम्स ऑल्सो कॉल्ड मेक्यूलाइड डेज्मोजोम्स फंक्शन लाइक टाइट जंक्शन बिल्कुल डेजमोजोम्स एक टाइट जंक्शन की जैसे फंक्शन करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन डेजमोजोम आर मेनली कैडरन्स कैड्रींस प्रोटीन्स होती है वो यहाँ पे हेल्प करती है नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमीडेजमोजोम्स हेमीडेजमोजोम्स होते हैं ये सेल टू मेट्रिक जंक्शन होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तो हेमीडेजमोजोम्स इज अ सेल टू मेट्रिक जंक्शन विच कनेक्ट द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ द सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दिस इज नॉन एज हेमीडेजमोजोम और हाफ डेजमोजोम क्योंकि यहाँ पे सेम डेजमोजोम की जैसे फंक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या होता है सेल टू मैट्रिक्स होता है और वहाँ पे सेल टू सेल होता है तो हेमीडेजमोजोम्स क्या होते हैं वो सेल्स को बेसल लेमिना से कनेक्ट करते हैं द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन दिस आर इंटीग्रीन्स इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है इंटीग्रीन्स